अभी तो गाइज हो रही है बहुत तगड़ी वाली धूप, तो थोड़ी देर में धूप कम होगी तो मैं एक नया वर्क स्टार्ट करूँगा A1 साइज़ पे, जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा उसी टाइप का कुछ। मैं सोच रहा हूँ मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने की, तो अभी फोटो क्लिक करेंगे और फिर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएंगे A1 साइज़ पे चारकोल से, तो देखते हैं किस तरह का बनता है। तो फिलहाल आजकल काफ़ी शांति सी मिल रही है देखो, बट बाहर पता नहीं मतलब छुट्टियाँ मिल रखी है, जैसे कि सबके सब क्रिकेट खेल रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो गाइज सभी के सभी किस तरह से ग्रुप में खेल रहे हैं क्रिकेट, छुट्टी मिल रखी है इनको। तो गाइज अभी धूप कम हो चुकी है, तो अब मैं अपने ड्राइंग मटेरियल्स लेके आता हूँ और दिखाता हूँ कौन कौन से यूज़ करूँगा मैं, और एक सेल्फी क्लिक करेंगे अपने नए फ़ोन से और वही ड्रॉ करेंगे। सो फोटो क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से। सो हाँ गाइज फोटो तो क्लिक हो गई है जो कि मैंने आपको दिखा दी, तो फोटो ठीक ठाक आई है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये मेरे पास ग्रेफाइट पेंसिल स्टोम्बो की मैकेनिकल पेंसिल जो कि मैं यूज़ करूँगा, और यह है कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल, यह है जनरल की चारकोल्स, और यह है A1 साइज़ का पेपर, मास्किंग टेप, दूसरा लेंस, कैमराज की बैटरी, और यह है ट्राइपॉड। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अभी तक कैसा लग रहा है? सही है। सही लग रहा है। तो गाइज मैंने आउटलाइंस तो कंप्लीट कर ली है, से ब्लेंड करने में काफी मजा आता है, काफी सेटिस्फाइंग सा लगता है। तो गाइज अभी मैंने थोड़ा चाय का ब्रेक लिया है, और ऑटो का भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको बनाने में, आई थिंक अंधेरा हो जाएगा। तो हमारे साथ हमारी मम्मी जी हैं, तो कैसा लगा था उस दिन आपको ड्राइंग बना के? बहुत अच्छा लगा। और बनाओगे? और बनाऊंगी। तो हम और भी बनाएंगे वीडियो, आपको भी पसंद आई थी। और कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन है सब कुछ, तो हम घर पे ही हैं सबके सब, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। पापा जी भी फ़ोन में लगे हैं, अम्मा भी फ़ोन में लगी है। अम्मा अम्मा ओ अम्मा ओ अम्मा क्या कर रहे हो? फोन कर रही है वो बहन। अम्मा से दूर रहना चाहिए। तो आर्टवर्क दिखाता हूँ वो भी कितना कंप्लीट हुआ है।
रिसेंटली मैंने A1 साइज का सेल्फ पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लिया है जो कि मैंने छत में बना के दिखाया, और मुझे ओनली 2 घंटे लगे बनाने में, बट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ना ही शेडिंग परफेक्ट है और ना ही मेजरमेंट परफेक्ट है, बिकॉज जल्दी जल्दी बनाया मैंने 2 घंटे में एज ए प्रैक्टिस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी कुछ अगर इसमें ठीक करना है वो मैं अब करूँगा, जो कि मैंने बोर्ड को टेबल के ऊपर रख दिया है। टेबल के ऊपर तो पूरा आर्टवर्क आता नहीं, बिकॉज जो पेपर का साइज है वो मेरी टेबल से बड़ा है, मतलब A1 से भी बड़ा है थोड़ा, जो मेरी मदर टेरेसा वाली है उससे बड़ा साइज है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने बोर्ड ही रख लिया इसके ऊपर, तो अभी कुछ इस तरह से बनाऊंगा। इस तरह से काफ़ी कंफर्टेबली बना पाते हैं, बट उस तरह से कंफर्टेबली शेडिंग नहीं हो पाती, मतलब पेंसिल कलरिंग वगैरह तो जाती है बट पेंसिल शेडिंग नहीं हो पाती, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। तो देखते हैं अगर थोड़े बहुत करेक्शन होते हैं तो करते हैं। सो गाइस फिलहाल तो पोर्ट्रेट कुछ इस तरह का लग रहा है, देख लो। और गाइस ये रही रेफरेंस फोटोग्राफ, तो रेफरेंस फोटोग्राफ के हिसाब से मेरे को तो रिजल्ट्स काफ़ी सही लग रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम बनाया इस तरह से बड़े साइज पे। करते हैं किस तरह से बना पाता हूं, तो सेल्फी लेके बनाया और कुछ इस तरह का बना। सो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बस स्टे होम स्टे सेफ, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना, मेरी तरह ड्राइंग करते रहना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।